जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, नाम जप की विधि। नाम जप की खास विधि क्या है? खास विधि है कि भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करें। हो ही राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। अब थोड़ी दूसरी बात बताते हैं। भगवान के नाम का जप करो, पर जप के साथ में प्रभु के स्वरूप का चिंतन भी होना चाहिए। जैसे गंगा जी का नाम लेते हैं तो गंगा जी की धारा दिखती है कि ऐसे बह रही है। गौ माता का नाम लेते हैं तो गाय का रूप दिखता है। ऐसे ब्राह्मण का नाम लेते हैं तो ब्राह्मण रूपी व्यक्ति दिखता है, मन में एक स्वरूप आता है। ऐसे राम कहते ही धनुषधारी राम दिखने चाहिए मन से। इस प्रकार नाम लेते हुए मन से भगवान के स्वरूप का चिंतन करो, यह खास विधि है। पातांजल योग दर्शन में लिखा है, भगवान के नाम का जप करना और उसके अर्थ का चिंतन करना, अर्थात नाम लेते जाओ और उसको याद करते जाओ। श्री कृष्ण के भक्त हो तो उनके चरणों की शरण होकर श्री कृष्ण शरणम मम इस मंत्र को जपते हुए साथ साथ स्वरूप को याद करते जाओ। नाम जप की यह खास विधि है। एक विधि तो उसके होकर नाम जपना और दूसरी विधि नाम जपते हुए उसके स्वरूप का ध्यान करते रहना। कहीं भूल होते ही हे नाथ पुकारो, हे प्रभु बचाओ, मैं तो भूल गया, मेरा मन और जगह चला गया, हे नाथ बचाओ। भगवान से ऐसी प्रार्थना करो तो भगवान मदद करेंगे। उनकी मदद से जो काम होगा वह काम अपनी शक्ति से कर नहीं सकोगे। इस वास्ते भगवान के नाम का जप और उनके स्वरूप का ध्यान, ये दोनों साथ में रहें। इस एक अक्षर का उच्चारण ओम, इस एक अक्षर का उच्चारण करें और मेरा स्मरण करें, यह जगह जगह बात आती है। इस वास्ते भगवान के नाम जप के साथ भगवान के स्वरूप की भी याद रहे। नाम जप में दिखावटीपन में न चला जाए। नाम जप दिखावटीपन में न चला जाए, अर्थात मैं नाम जपता हूँ तो लोग मेरे को भक्त माने, अच्छा माने, लोग मेरे को देखें, यह भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह भाव होगा तो नाम की बिक्री हो जाएगी, नाम का पूरा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने नाम को मान बढ़ाई में खर्च कर दिया। इस वास्ते दिखावटीपन नहीं होना चाहिए नाम जप में। नाम जप भीतर से होना चाहिए, लगन पूर्वक। लौकिक धन को भी लोग दिखाते नहीं, उसको भी तिजोरी में बंद रखते हैं, तो लौकिक धन जैसा भी यह धन नहीं है क्या जो लोगों को दिखाया जाए? लोगों को पता लगे तो क्या भजन किया? गुप्त रीति से करें, दिखावटीपन बिल्कुल ना आवे। नाम जब भीतर ही भीतर करते रहें, एकांत में करते रहें, मन ही मन करते रहें और मन ही मन से पुकारें, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। लोग देख लें तो उसमें शर्म आनी चाहिए कि मेरी गलती हो गई, लोगों को पता लग गया। नारायण नारायण।